विपक्ष पार्टियों से शिकायत है, वे जनप्रतिनिधि सिलेक्शन का अधिकार हमें नहीं देते हैं। अर्थात इलेक्शन का पावर है लेकिन सिलेक्शन का पावर हमें नहीं है। इसका क्या परिणाम हुआ? जनजाति हमारे समाज का होता है, न तो समाज में बोल पाता है, न संविधान लोकसभा में बोल पाता है। एक तरह से वह पार्टी का गुलाम, बंधुआ मजदूर के समान होता है। पार्टी के निर्देशन को ही ईश्वरीय वाणी मानता है, पार्टी को ही माई बाप मानता है। होता है अपना अपना कोई निर्णय नहीं होता है, उसकी अपनी कोई सोच नहीं होती है, उसका अपना कोई विचार नहीं होता है। तरह तरह से हमारे नेता पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार होने का कारण पांचवी अनुसूची के विशेषाधिकार को विपक्ष शासन प्रशासन द्वारा निर्णय लेने पर भी बोल नहीं पाते हैं। सामाजिक संगठनों आवाज उठाने पर भी पुलिस बल से कार्रवाई करते हैं। दक्षिणी राजस्थान के आरक्षण को लेकर 2008 से लेकर 2023 तक जितने आंदोलन धरने हाईवे जाम हुए उनका हश्र क्या हुआ आप सभी जानते हो। काफी डूंगी प्रकरण में खेरवाड़ा, डूंगरपुर, बागीदौरा के नेताओं ने भूमिका शांतिपूर्ण धरने को उद्यम में बदलने की रही, हम सब जानते हैं। हमारे राजनेताओं के स्वर्ण समाज का मुख्य दर्शक समर्थन गुलाम अंधा सहयोगी होने से आदिवासी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक समाज अपने को लोकतंत्र में लावारिस समझ रहा है। हमारी समाज आवाज न सड़क पर सुनी जाती है, न संसद में सुनी जाती है, न मीडिया में सुनी जाती है, न समाचार पत्रों में सुनी जाती है। मीडिया हाउस हमारी लोकतांत्रिक आवाज, लोकतांत्रिक धरना प्रदर्शन को नक्सलवादी, आतंकवादी, देशद्रोही, समाज विरोधी, समाज कंटक, असामाजिक तत्वों जैसी संज्ञा देते हैं और हमें सदा बदनाम करते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले